हेलो एवरीवन, जब भी आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर आप अदर किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम की तैयारी करें, आप कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं या फिर किसी मेंटोर से मिलते हैं या फिर अपने किसी एस्पिरेंट सीनियर एस्पिरेंट से आप मिलते हैं, तो आपको एक चीज कहते हैं कि आप अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन उससे एनसीईआरटी से जुड़े कई तरीके की भ्रांतियां, समस्याएं, चुनौतियां और साथ ही साथ आपके सवाल जुड़े होते हैं जो एनसीईआरटी को लेकर आपके मन में होते हैं, जिनका जवाब शायद आपको नहीं मिलता और शायद इसी कारण से कई लोग यहां पे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। आज हम यहां पर इसी एनसीईआरटी के कुछ फंडामेंटल चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इनसे जुड़े किस किस तरीके के प्रश्न आपके मन में आते हैं और आई होप यहां पर आप इसे देखने के बाद आपके को लगेगा हाँ, ये एनसीईआरटी से जुड़ी मुझको भी यहां पर समस्याएं होती हैं। जैसे आप एनसीईआरटी के बारे में आपसे बोला जाता है तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें। दूसरा सवाल होता है कि 11 के और 12 की सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा जाए या 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। तीसरा सवाल कि एनसीईआरटी की जो होती है वो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या हमें सिर्फ प्री के लिए पढ़नी चाहिए या प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ने चाहिए। और चौथा सवाल यहां पे होता है कि एनसीईआरटी के लिए यहां पर कोई नोट्स यहां पर खरीद ले, उसे पढ़ ले या फिर एनसीईआरटी के बुक्स को लेकर पढ़े। अब ये सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तब तो शायद आप एनसीईआरटी का यहां पर फायदा उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसके यहां पर रिवीजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर इनको पढ़ना कैसे है वो भी एक सवाल होता है। लेकिन वो सारे सवाल पढ़ने के संदर्भ जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है तभी आप उसके पढ़ने का भी फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम यहां पर सबसे पहले एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि एनसीईआरटी बेसिकली आपको क्यों सभी गाइड करते हैं, क्यों सभी बोलते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ें। तो आज एनसीईआरटी के संदर्भ में सबसे पहला जो चीज है, जो समझने वाली चीज है वो ये है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके बाकी सारे सवाल आप यहां पर निकाल ले जाओगे, उनको आसानी से आप क्लियर कर लोगे। तो अगर मैं कहूं आपसे कि आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे होंगे तो क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस आपका हिस्सा है वो भी आप उससे नहीं निकाल पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो आपके यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर आपको अदर स्टेट पीएससी में कहां पर किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक किस पेपर में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आज हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को पूरी पढ़ लेते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर आपसे यूपीएससी पूछता है, यूपीपीएससी आपसे क्या पूछता है। तो सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी को हमेशा बिगनर्स के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके लिए फंडामेंटल जो होते हैं वो मजबूत करते हैं। और फंडामेंटल पांच सब्जेक्ट आते हैं इसमें। फंडामेंटल का मतलब होता है कि जहां पर आपको बेसिक जो अवधारणा है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो जानकारी है वो आपको यहां पर मिल जाती है। और जब आप बेसिक जो फंडामेंटल अगर आपका क्लियर हो जाता है तब आप बाकी की चीजें यहां पर आप उस पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। अब जल्दबाजी में भी नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी में एग्जाम की तैयारी नहीं करना है और जल्दी जल्दी में एनसीईआरटी खत्म भी नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के यदि आप फंडामेंटल चीजों को मजबूत नहीं कर सके तो आप अच्छी यहां पे प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पांच फंडामेंटल सब्जेक्ट जो आपको एनसीईआरटी पढ़ के यहां पर आपको क्लियर करने हैं। पांच फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन थे आपके जीएस के? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। अगर आपने यहां पर इसको क्लियर कर लिया, इसको पढ़ लिया, ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ, बेसिक हो गया। अब देखिए, ये सारे सब्जेक्ट आपको आता कहां है, तो ये आपको प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपके साइंस को लेकर के। लेकिन जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में कई अलग सब्जेक्ट इसमें जुड़ के आ जाते हैं, जैसे कि कहीं में आपको IR भी है, आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी है, आपको आर्ट एंड कल्चर भी है, आपको एनवायरमेंट भी है, आपको साइंस एंड टेक भी है, वो कहां से आता है? तो देखिए, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ पांच जो फंडामेंटल सब्जेक्ट के साथ साथ इनसे इंटररिलेट करके, कोरिलेट करके कई सारे टॉपिक आपको मिलते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वहां पर देखा जब आप अपने सिलेबस में आते हैं तो उन्हें एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर आपको डिफाइन कर जाता है। लेकिन वो सारी जानकारी आपकी एनसीईआरटी में होती है, अगर आपने उसे सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो आपसे ये जानकारी वहां छूट जाएंगे। कौन कौन से? जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ क्या होता है, उसका आर्ट एंड कल्चर जुड़ा होता है। जैसे कि आप देखिए एनसीईआरटी बुक्स में आप उठाकर पढ़ें, मुगल काल को पढ़ते हैं तो मुगल काल की वहां पे स्थापत्य और चित्रकला भी जुड़ी होती है। तो जब आप यहां पर यूपीएससी का सिलेबस उठाकर देखते हैं, यूपीपीएससी का सिलेबस उठाकर देखते हैं, वहां पे आर्ट एंड कल्चर का अलग सिलेबस, और उसमें क्या है, उसमें वही है प्राचीन से मध्यकालीन भारत तक के चित्रकला, स्थापत्य कला इत्यादि की जानकारी। तो वो कहां छुपी हुई थी? एनसीईआरटी में ही है, हिस्ट्री के अंतर्गत है। लेकिन क्या किया आपने कि उसे वहां पर पहचाना नहीं, उसे आपने सही से समझा नहीं, उसे आपने अगर वहां पर क्लियर नहीं किया है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है,
तो आगे चल के पूरा जो एक सब्जेक्ट आएगा तो फिर वहां पर आप वो उसमें समस्याएं आएंगी। इसी तरीके से जब आप पॉलिटी के साथ पढ़ते हैं तो पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस के टॉपिक भी उसमें जुड़े होते हैं। गवर्नेंस के कौन से टॉपिक हैं कि सुशासन को लेकर के है, ठीक है, ई गवर्नेंस की व्यवस्था है, सिटीजन चार्टर जैसी चीजें हैं जो कि वहां पे एक नागरिक शास्त्र करके या फिर आपको इस तरह का टॉपिक उसमें जुड़ा रहता है, उस टॉपिक को भी पढ़ना है क्योंकि आगे चल के गवर्नेंस के तौर पर वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर आपके सिलेबस में जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से जब आपको ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरनमेंट के टॉपिक भी उसमें जुड़े होते हैं, जिसमें वन होते हैं, वन्य जीव होते हैं, आपको जैव विविधता होती है, सारी चीजों को लेकर के वन्य जीव अभयारण्य इत्यादि होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको ऐड किया गया होता है। तो आगे चल के क्या कहता है, उसे एक अलग लेयर के रूप में एनवायरनमेंट को अलग कर दिया गया। इसी तरीके से आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वहां पे सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, गरीबी है, भुखमरी है, समस्याएं हैं, जनसंख्या डिविडेंड्स हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, जो सोसाइटी से जुड़ी समस्याएं हैं वो भी इकोनॉमी के अंतर्गत है। और साइंस के साथ आपको साइंस एंड टेक के मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं जो करंट इवेंट का भी एक हिस्सा यहाँ पे बन जाता है। तो एक तरीके से फर्स्ट लेयर के तौर पे जो सब्जेक्ट आपको फंडामेंटल चीजों में कम मजबूत करती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। लेकिन उसी के साथ सेकेंड लेयर के सब्जेक्ट भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, सोसाइटी और साइंस एंड टेक को भी वहां पे पढ़ना है, उसके भी कॉन्सेप्ट को वहां पे क्लियर करना है। लेकिन पहला लेयर आपको इसे क्लियर करना है, फिर सेकंड लेयर में इसे करना है। लेकिन इसके साथ साथ तीसरा लेयर भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी को समझा नहीं है कि आपको कितनी जानकारी यहां पे मिलने वाली है, तो शायद आप इसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो एनसीईआरटी से आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपकी बाकी जो जब आप एडवांस लेवल पर तैयारी करना शुरू करते हैं, एडवांस बुक को कोई पढ़ते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और आप आसानी से कोरिलेट करके वहां पर एक अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए तीन टॉपिक और आते हैं जिससे हम लेयर थ्री के अंतर्गत रहते हैं, जैसे कि आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई और एग्रीकल्चर का टॉपिक हो गया। अगर मैं कहूं जैसे कि आईआर का सब्जेक्ट पढ़ना है, आईआर में क्या पूछा जाता है, आईआर में किसी दो देशों का संबंध पूछा गया, उन दो देशों का संबंध कैसा था, इतिहास के समय में कैसा था, देखा कहीं कि किसी ने विश्व युद्ध लड़ रहे हुए हैं, वहां पे दोस्त थे तो कोई दुश्मन थे, कोई वर्तमान समय की स्थिति यहाँ पर बढ़ी, किसी के आर्थिक संबंध आज बहुत अच्छे बन रहे हैं, किसी का देखा जाए पॉलिटिक राजनीतिक जो संबंध है वहां पे तनाव की स्थितियां हैं, ठीक है, किसी के ज्योग्राफिकल जो है आपको संबंध जो है विवाद का कारण बन रहा है, ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान को देख लो, उनका इतिहास भी रहा है, उनकी ज्योग्राफी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनके बीच इकोनॉमिकल तौर पर कोई व्यापार इत्यादि नहीं होता है, तो अगर हम देखें तो कहाँ से बन रहा है, तो आईआर जो बनता है वो आपको हिस्ट्री भी जुड़ा होता है, पॉलिटी भी जुड़ी होती है, ज्योग्राफी भी जुड़ी होती है, इकोनॉमी भी जुड़ी होती है। यानी कि जब आप इन चारों सब्जेक्ट के फंडामेंटल चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको आईआर की जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ में आ जाती है। यानी कि इन सभी चीज़ों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो आपका आईआर सब्जेक्ट भी इसमें निकल के आ जाता है। ऐसा ही यहाँ पर देखा है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी समस्या है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, इसमें भी क्या होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्याएं हैं, आतंकवाद की समस्याएं हैं, ठीक है, माओवाद की इत्यादि समस्याएं हैं, भौगोलिक इत्यादि समस्याएं हैं, उसका इतिहास भी अपना रहा हुआ है, ठीक है, जैसे नक्सलवाद को ले लो, उसका अपना इतिहास है, ज्योग्राफिकल चीजें हैं, एनवायरनमेंट, तो वहां पे क्या पढ़ना है, उससे जुड़े कानून इत्यादि, जैसे जमीनी आपको समस्याएं थी जिसका भू सुधार आंदोलन इत्यादि को लेकर के विरोध किया गया, भूमि संबंधी कानून लेकर आए गए, तो वहां पे क्या है, आपको अगेन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी अगर आपको समझ में आ गई तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा निकल के आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरे लेयर का सब्जेक्ट, एक और सब्जेक्ट एग्रीकल्चर जब आप पढ़ते हैं, अब एग्रीकल्चर के लिए भी आपको तीन से चार सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए आपको जमीन की जानकारी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी है, कहां की कैसी होती है, किस तरह की उपज के लिए वो अच्छी होती है, ठीक है, तो ज्योग्राफी पता होना चाहिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो उसकी इकोनॉमी पता होना चाहिए कि कौन सी फसल बोने से किसका कितना फायदा हो रहा है, किसके एमएसपी मूल्य इत्यादि क्या होते हैं, सरकार वहां पर आपको देखा जाए किसकी उपज की कितनी अच्छी होती है, हाई एंड लो कैसा होता है, महंगा और सस्ता क्या होता है, तो किसानों पर उसका इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक वहां पर डबल डिजिट की उनकी ग्रोथ की जो बात की जाती है उसका क्या इफेक्ट है, तो वो सारी चीजें क्या आती हैं, आपको इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसका व्यापार समझ में आना चाहिए, आयात निर्यात समझ में आना चाहिए। तीसरा, उसे जुड़े सरकार कानून बनाते हैं, जैसे कृषि कानून सरकार बना के लेके जिसका किसान विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वो भी समझ में आना चाहिए। तो यहां पर जब आप पॉलिटी समझ लेते हैं, ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, इकोनॉमी को समझ लेते हैं, तो आप एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी को लेकर के जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे तीन लेयर की जानकारी आपको इसमें छुपी हुई होती है।
फंडामेंटल जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बेसिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग होते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल पांच सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करें, क्योंकि जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको सेकंड लेयर की जानकारी भी वहाँ पर धीरे धीरे उसमें आप समझ जाएंगे, और जब सेकंड लेयर की जानकारी आप समझ लेंगे तो आपको थर्ड लेयर की जानकारी जो होती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये फाइव फंडामेंटल सब्जेक्ट की जो बुक्स एनसीईआरटी की वो पढ़ना। अब देखिए इससे क्या निकल के आया, जो आपके क्वेश्चन थे अब उनको पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये प्री के लिए है, तो देखिए यहाँ पे प्री के सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी साइंस है, लेकिन उसके साथ साथ देखें आर्ट एंड कल्चर गवर्नेंस एनवायरमेंट सोसाइटी टेक आईआर एग्रीकल्चर इंटरनल सिक्योरिटी भी, यानी कि मेंस। तो प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़नी, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट की आपको जैसे इकोनॉमी के सिर्फ 11-12 की पढ़ लो काफी हो जाती है, कुछ सब्जेक्ट की आप 6-12 तक पढ़ लें, जैसे हिस्ट्री की पढ़ ली आपने, ठीक है, ज्योग्राफी की आपने पढ़ ली, तो यहाँ पर साइंस की आपने पढ़ ली 9-10 की यहाँ पे पढ़ ली काफी हो जाती है 10 तक की, क्योंकि साइंस यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक हो गई 11-12 की आपने पढ़ ली, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की आपको 11-12 की पढ़नी है, कुछ की 6-12 तक, जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिक हिस्ट्री की आपने 6-12 तक लगा ली, बाकी सब्जेक्ट की आपने 11-12 वाली पढ़ ली, साइंस की 9-10 की पढ़ ली, इतना काफी हो जाएगा। नई और पुरानी के संदर्भ में देखिए जो यूपीएससी होता है जो लगातार नई बदलती हुई चीजों को लेकर ज्यादा पूछता है, पुरानी थ्योरेटिकल चीजों पर कम यहां पे जानकारी लेता है, और जिस तरीके से नई यहां पर आती हैं तो उस पर ज्यादातर फोकस नहीं पे रखना है, कुछ सब्जेक्ट यहां पे पुरानी जरूर पूछी जाती है तो वहां पर इस पर ध्यान रखना है, उसके लोकल एक लिस्ट यहां पर है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर आता है दूसरी जो चीज है कि पढ़ें कैसे, है ना, ये सारी जानकारी होने के बाद आपको सबसे जरूरी पहलू है कि देखो पढ़ना कैसे है, तो सबसे जरूरी और सबसे लास्ट में एक एक करके यहां बस इतना समझ लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज आपको अपने फंडामेंटल चीजों को मजबूत करना होगा, और फंडामेंटल चीजें इसलिए क्योंकि पांच जो सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की जानकारी को एक दूसरे से कोरिलेट करके आपको देते हैं, तो पहली जो चीज करनी है अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। दूसरा यहां पर टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के लिए जो भी आप एनसीईआरटी के लिए आइए उसकी पूरी एक रीडिंग करिए, रीडिंग करते वक्त वहां पर आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको लगे जो शब्द यहाँ पर आपको समझने आते हैं उनको हाईलाइट करिए, यानी कि यहाँ पे टॉपिक वाइज रीडिंग करने के दौरान एक बार रीडिंग करने के साथ साथ जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उन्हें हाईलाइट करते चले, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो चाहे कोई आइडिया है उनको समझिए, और समझने के बाद उनको हाईलाइट भी कर लीजिए। जैसे कि वायुमंडल है, अब वायुमंडल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे परतें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उसकी जानकारी होगा। इकोनॉमी में जैसे जीडीपी आ गया, आप जीडीपी को वहाँ पे हाईलाइट कर लो, शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो, जीएनपी क्या होता है उसको आप हाईलाइट कर लो। तो यहाँ पे है जब भी आप रीडिंग करने जा रहे हो तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट है या फिर जो आइडिया है जो विचार है किसी के उसी से जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि महंगाई है, आपकी इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो तो महंगाई को लेकर के क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप एक दूसरे से कोरिलेट कर लो। तो सबसे पहले आप एक रीडिंग मान लो, दूसरी चीज टॉपिक वाइज पढ़ना है, फिर उसकी रीडिंग लगाना है, रीडिंग के साथ हाईलाइट या पॉइंट वहां पे बनाते चलो उनके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो कॉन्सेप्ट इत्यादि हैं जो आइडिया हैं उनको वहां पे समझते चलना है। अब इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलना है, आगे इसको करना क्या है, जब आप ये काम यहाँ पे कर लेंगे फर्स्ट टाइम में, देखिए नोट्स फर्स्ट टाइम में नहीं बनाए, आपको अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाने चाहिए। तो बुक्स को से पढ़ने के बाद जो ये था कि आपको नोट्स पढ़ने चाहिए कि बुक्स पढ़ने चाहिए, तो बुक्स यहाँ पर पढ़ो, और बुक्स के पढ़ने के बाद क्या करो, देखो अपने से पढ़ाई करने का एक फायदा हमेशा रहता है कि आपका दिमाग जो होता है ज्यादा किसी और की चीज़ों को नोट्स इत्यादि उठा लेने से हम उतना कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ते हैं जितना हम खुद के बनाए हुए नोट्स पर ज्यादा फोकस होकर स्टडी करते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, इसलिए अपने नोट्स खुद बनाना है। नोट्स बनाते समय देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं पूरी किताब छापनी है, यहाँ पर मैंने जो कहा अगर आप ये पहला काम यहाँ पे कर लोगे तो पहला काम करने के बाद आपको जो आइडिया मिले हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने समझे हैं, जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं उसे अपने शब्दों में लिखना है, और अपने शब्दों में लिखने के लिए बहुत जानकारी यहाँ पे आपको कहानी की तरह नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट लिखो, सिनॉप्सिस बना के लिख सकते हो, मैप यूज कर सकते हो, मैप के आसपास जो भी जानकारी है वो आप लिख सकते हो, कोई चित्र बना सकते हो, या इवेंट्स के वाइज जैसे कि हिस्ट्री है हिस्ट्री के इवेंट्स वाइज आप लिख सकते हो कि 1600 में ये घटनाएं हैं, 1601 में ये दो, या इसके शासनकाल में इतनी घटनाएं घटी, इसके या इसके गवर्नर जनरल में ये घटनाएं घटी, तो इस तरीके से इवेंट्स बना के उसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ अपने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे टू द पॉइंट करके आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने नोट्स बनाने सिनॉप्सिस बनाकर कर सकते हो, मैप के माध्यम से उसे बनाइए या फिर टू द पॉइंट उसे बनाइए, इवेंट्स बना के बनिए, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं, इनमें से जो भी आपको यहाँ पे बेहतर लगे या सारी चीज़ों का मिला करके आप बनाइए, लेकिन कहानी तरह नहीं बल्कि यहाँ पे आपको जो समझ में आया है जो कॉन्सेप्ट है जो आइडियाज हैं जो यहाँ पर आपको बस उन्हीं को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और करना है, लास्ट की दो चीज़ें देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में जो प्रश्न होते हैं
उसे जरूर हल करें। हल करने का फायदा क्या है कि आपको कितना समझ में आया, क्या जानकारी है, कितनी यहाँ पे बेहतर है, आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा, आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे आंसर राइटिंग करनी होती है, प्री के क्वेश्चन यहाँ पे हल करने होते हैं, उसका भी एक आइडिया हो जाता है, और आप अपने आप का इंप्रूवमेंट यहाँ पे अपने आप को बेहतर हो रही है, सिचुएशन आपकी अच्छी हुई है नहीं हुई है वो भी यहाँ पर आपको पता चल जाती है। इसी तरीके से लास्ट, सबसे लास्ट में क्या होता है, जब ये सारा काम आप करते जाएंगे तो उसके बाद रिवीजन करना है। देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लास्ट में जाके इसको करने के बाद अगर छोड़ दे रहे हैं तब तो ये फिर से जाके जीरो हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में जाकर रिवीजन जरूर करना है, और रिवीजन कोशिश करिए मल्टीपल टाइम करो, कम से कम 2-3 बार उसका रिवीजन या नियमित तौर पर उसका रिवीजन करते रहो, जब क्योंकि फंडामेंटल चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो उसके बाद आपको कभी भी इससे जुड़ी हुई आपको बाकी एडवांस लेवल पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड समस्याएं नहीं आएंगी। तो यहाँ पर इतना काम करना है, ये चीजों को ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन भी यहाँ पे कर सकते हैं जो यहाँ पे एनसीईआरटी को पढ़ना है। एक बार मैं लास्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, सबसे पहले फंडामेंटल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये देखिए एनसीईआरटी क्या कर रहा है, आपकी बेसिक चीजों की मजबूती करता है, उसको 3 लेयर पे करता है, तो तीनों लेयर को ध्यान रखना है, तीनों लेयर की जानकारी यहाँ पर आपको होनी चाहिए। फर्स्ट लेयर में 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद उसके सेकंड लेयर के सब्जेक्ट, फिर तीसरा यहाँ पर जो 3 से 4 सब्जेक्ट मिलाकर बन रहा है, इस तरीके से जानकारी पढ़नी है, मजबूती यहाँ पे आएगी, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, प्री और मेंस की अच्छी तैयारी हो जाएगी, पकड़ आपकी बन चुकी होगी। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट और आइडिया, रीडिंग के बाद टाइप टॉपिक वाइज रीडिंग मारते चलिए, एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट और पॉइंट बना लीजिए, और तीसरे टाइम में जाके वहाँ पे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय जो चीज़ें आपने समझी हैं, कॉन्सेप्ट और आइडिया, उन्हीं को वहाँ पर करना है। उसके लिए आप सिनॉप्सिस, मैप, इवेंट या शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए, दूसरे के लेकर मत पढ़िए, खुद बनाइए, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा उसके आंसर राइटिंग इत्यादि करने के दौरान। वहाँ पे उसके प्रश्नों को लास्ट में हल करें, जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद प्रश्नों को हल करके देखें कि आपकी नॉलेज यहाँ पर कितनी है, कितना याद रह गया है, और उस चीज़ को बार बार रिवाइज करने के लिए, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आप मल्टीपल टाइम उसका बीच बीच में रिविजन करते रहें। आई होप यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया होगा, आप एनसीईआरटी से जुड़ी हुई कोई समस्या यहाँ पर आपकी नहीं रह जाएगी, और आप अब एनसीईआरटी का ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे। परीक्षा की तैयारी को लेकर लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से आपको नई नई चीज़ों को लेकर गाइड करेंगे और आपकी समस्याओं को लेकर सॉल्व करेंगे। अगर परीक्षा से जुड़ी अन्य कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, उसको लेकर के हम यहाँ पर आसान तरीके से आपको उसे समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।